नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ संगीता। उत्तराखंड में मानसून के बाद की बारिश नहीं होने से गर्मी सता रही है। मैदान से लेकर पहाड़ तक नमी कम होने लगी है। आपको बता दें, इस वजह से प्रदेश भर के न्यूनतम से लेकर अधिकतम तापमान में सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। बीते कुछ दिनों से चटक धूप खिलने से पहाड़ों में भी मौसम शुष्क होने लगा है, जबकि मैदानी इलाकों में दिन के समय काफी गर्मी हो रही है। बता दें, मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार आने वाले दिनों में भी मैदानी क्षेत्रों में गर्मी परेशान करेगी। मौसम विज्ञान के निदेशक विक्रम सिंह का कहना है कि मानसून विदा होने के बाद से पोस्ट मानसून बारिश नहीं हुई है, इसके चलते नमी कम होने लगी है और तापमान बढ़ रहा है। बता दें, मौसम विभाग ने राज्य के देहरादून, टिहरी, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली और बागेश्वर जिले के उच्च हिमालय क्षेत्रों में कहीं कहीं गरज वाले बादल विकसित होने और हल्की बारिश की संभावना जताई है। इसके अलावा राज्य के शेष सभी जिलों में मौसम शुष्क रहेगा। साथ ही मौसम विभाग की ओर से बताया गया है कि राज्य में 10 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर तक सभी जिलों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। मौसम की इस खास खबर में बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहे जेजेएन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।